नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप दुश्मनों के छाती पर चढ़कर राज करोगे। अगले 24 घंटों में आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। ये दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार अब आप सभी की कुंडली में बुध, शुक्र, शनि और मंगल की युति हो रही है। यश में इन सभी की युति के कारण आप सभी के जीवन काल में अब जो बदलाव होने वाले हैं, जो घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। ये दोस्तों यश में आपको वह कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों की यह स्थिति है, आपके जीवन काल में कौन कौन से बदलाव करेंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार, कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और अपनी माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में धार्मिक संबंधी कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। समान विचारधारा वाले किसी व्यक्ति से संपर्क करना आपके लिए प्रश्नतादायक रहेगा तथा जीवन स्तर को सुधारने के लिए सिद्धांतवादी और व्यापक दृष्टिकोण भी आप यश में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों बच्चों के करियर अथवा विवाह को लेकर चिंता रहेगी। दोस्तों घर की विलासिता संबंधी चीज़ों की खरीदारी में भी खर्च होगा जिसकी वजह से आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। दोस्तों अपनी मूल्य वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखें, उनके चोरी होने या फिर खोने की आशंका बन रही है। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपके आसपास बन रही परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपकी सकारात्मकता और परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा दोस्तों, जिसकी वजह से कठिन बातों के भी आप हल निकाल पाएंगे। दोस्तों यह समय आपकी वजह से घर में आनंदित वातावरण बना रहेगा। घर के लोगों के आपके द्वारा योग मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि सामाजिक और फिर राजनीतिक गतिविधियों में दोस्तों यह समय आपका अधिकतर समय व्यतीत होगा। साथ ही महत्वपूर्ण लोगों से भी आपके संपर्क इसमें मजबूत होंगे। दोस्तों यह समय विद्यार्थीगण अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास रखें। दोस्तों यह समय वे पूरी तरह अपनी पढ़ाई के प्रति गर्चित रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय आपका ध्यान कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर जो है आकर्षित भी हो सकता है, परंतु दोस्तों उनमें दूरी बनाकर रखना यह समय आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों किसी को पैसा उधार देने की आवश्यकता इसमें नहीं है, दोस्तों इनसे आप यश में बचें। युवा वर्ग भी मौज मस्ती से ध्यान हटाकर करियर की तरफ फोकस करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय काम की वजह से आपको जीत हासिल होगी। आपके नेतृत्व गुणों द्वारा आप जो है परिस्थिति पर नियंत्रण करके लोगों को भी यह समय मार्गदर्शन कर पाएंगे। दोस्तों संयंत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए ये जो दिन है खास दिन होगा। काम से संबंधित बन रही है योजना को फिर से एक बार परख कर आगे बढ़ें। इसके बाद दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों संतान की किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। दोस्तों यश में पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। प्रॉपर्टी के विक्रय संबंधी योजनाएं भी यश में सफल होंगी। दोस्तों परिवार में भी खुशी भरा माहौल रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि दोस्तों इनकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। दोस्तों व्यर्थ की गतिविधियों में खर्च की अधिकता रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके अंदर के कला गुणों को योग मार्गदर्शन और उचित संधि प्राप्त होने की वजह से आप जो है कला की ओर अधिक सुझाव दिखा सकते हैं। दोस्तों बच्चों के वर्तन में सकारात्मक बदलाव दिखेगा जिनकी वजह से उनसे जुड़ी सारी चिंताएं आपकी मिटने लगेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे। दोस्तों किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता बनी रहेगी जिससे दोस्तों तन व फिर मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। मित्रों का सलाह यश में भाग्योदय साबित होगा। कोर्ट केस में भी स्थिति आपके पक्ष में होने के योग हैं। इसके बाद दोस्तों परंतु अपने विरोधी की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों आप किसी साजिश या फिर षड्यंत्र में उलझ सकते हैं। आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों में भी बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लें। दोस्तों यदि संभव हो
तो उन्हें फिलहाल यश में टालने में ही आपकी भलाई होगी। इसके बाद दोस्तों यह समय किसी नए काम की शुरुआत आप कर पाएंगे। दोस्तों आपके अंदर बढ़ रही सकारात्मकता की वजह से जीवन में नई दिशा देना आपके लिए संभव हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको अधिकतर समय खुली हवा में बिताने की जरूरत होगी। नए विचार इसमें आएंगे जो कि भविष्य के लिए आपके उपयुक्त होंगे। इसके बाद दोस्तों यह समय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय काम से संबंधित योजनाएं बनेंगी। शायद दोस्तों व्यावसायिक गतिविधियों में यह जो समय आपके लिए सकारात्मक हलचल का समय रहेगा। दोस्तों महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलने से आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अगर दोस्तों स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो उसे अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें। यह आपके व्यवसाय के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए आपके करियर के लिए जो समय होंगे, अगर किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों तुरंत उन्हें अमल करें। दोस्तों यह समय परिस्थितियाँ लाभदायक है, साथ ही धन प्राप्ति के ग्रह योग बने हुए हैं। दोस्तों कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन करना यह समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल रहेंगी तथा निकट भविष्य में भी इनके उचित परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों यश में स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। ये जो परिवर्तन है आपके लिए बहुत ही लाभदायक शब्द होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों काम काज का अत्यधिक बोझ रहेगा परंतु अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएंगे। दोस्तों कहीं से कोई रुका हुआ पैसा या फिर अटका हुआ आपका काम भी यश में बन सकता है, अटका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। दोस्तों यश में व्यापार के लिए जो आपका जो ठोस निर्णय है आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसको प्रणाम दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जीवन साथी का भरपूर सहयोग रहेगा तथा अपने परिजनों और पारिवारिक लोगों की परवाह करना आपके लिए आपके मान सम्मान को और अधिक बढ़ाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अपने किसी भी योजना को कार्य रूप जो है देने के लिए अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। उनकी सलाह आपके लिए यश में जो है संजीदगी का कार्य करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे परंतु किसी नजदीकी रिश्तेदार के हस्तक्षेप की वजह से दोस्तों गलतफहमी भी हो सकती है, तो दोस्तों इनसे आप सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों घर परिवार की सुख शांति के लिए जीवन साथी की पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। घर का वातावरण भी यश में बहुत ही सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अत्यधिक मेहनत की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की शिकायत रहेगी। समय समय पर उचित आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में चोट लगने या फिर एक्सीडेंट होने जैसी आशंका लग रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं या फिर अपना ध्यान रखकर ही वाहन को चलाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, घुटनों तथा टांगों में दर्द बढ़ सकता है। वायुवादी वाली चीज़ों का खान पान करने से आप जो है यश में परहेज करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, वर्तमान मौसम की वजह से सुस्ती और आलस हावी रह सकता है। यश में अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए हर कार्य सफल हो, लेकिन कार्य के प्रारंभ होते ही उनमें विघ्न आ जाते हैं, आपके कार्य असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको यह समय जो है इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रातः काल में कच्चा सूत लेकर सूर्य के सामने मुख करके खड़े हो जाएं, फिर सूर्यदेव को नमस्कार करके ओम ह्रीं गृहिणी सूर्य आदित्य श्रीम मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। दोस्तों जल में रोली चावल चीनी और लाल पुष्प अवश्य डालें। इसके पश्चात कच्चे सूत को सूर्यदेव की तरफ करते हुए गणेश जी का भी स्मरण करते हुए 7 गांठ लगाएं। इसके पश्चात इस सूत को किसी खोल में रखकर जो है अपनी कमीज की जेब में रख लें। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इनसे आपके सारे बिगड़े कार्य बनने लगेंगे, आपके रुके हुए कार्यों में गति आएंगी और आपको इसे धन में वृद्धि होगी। दोस्तों इन उपायों को यश में आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। और साथ ही दोस्तों ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।